अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे से वाईटी फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू नाज़िमास किचन। सो आज मैंने आप लोग के लिए लाई हूँ 10 मिनट्स में बनने वाली बहुत ही इजी, क्विक एंड इंस्टेंट डेजर्ट की रेसिपी, जिसका नाम है कस्टर्ड डिलाइट, जो कि बहुत ही टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली डेजर्ट है। ये जैसे कि ईद आ रही है और इस ईद पे आप लोग ज़रूर बनाइए ये रेसिपी डेजर्ट की। और जैसे कि अभी इफ्तार में हम तो स्नैक्स तो बहुत ही खा रहे हैं, तो मीठा तो बहुत ही मस्ट है, क्योंकि मुझे मीठा तो बहुत ही पसंद है, तो मेरे घर में मीठा तो बनता ही एनी हाउ। तो आप लोग ये ज़रूर बनाइए डेजर्ट और फीडबैक ज़रूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है पैन, पैन को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था 2.5 कप ऑफ मिल्क, फिर ऐड किया 1/2 कप ऑफ शुगर। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे कुक करने के लिए रख देंगे। फिर मैंने लिया 2.5 टेबल स्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर, जो कि आपको स्पून दिखा वो उतना मेजर का मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। और फिर मैंने ऐड कर दिया मिल्क, मिल्क या वाटर आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, लम्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखें लम्स आप लोग निकाल देना इसको अच्छे से मिक्स करके। फिर जैसे ही दूध बॉयल हो जाता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड जो हमने प्रिपेयर किया था। फिर जैसे ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 1 मिनट के लिए कुक इसलिए करना है ताकि जो कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो हट जाए। और देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ये। अभी यहाँ पर मैंने लिया है सर्विंग डिश और यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेट कपकेक। मैंने यहाँ पर 6 चॉकलेट कपकेक लिया है। आप लोग कोई भी कपकेक ले सकते हैं, आपको वैनिला या फ्रूट कपकेक चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चॉकलेट कपकेक इसलिए लिया है क्योंकि कस्टर्ड और चॉकलेट कपकेक दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बनता है। और देखिए मैं इस तरीके से इसको चूरा बना दूंगी। देखिए कितना अच्छे से मैंने इसको हर कपकेक को अच्छे से मैंने तोड़ दिया है। अभी यहाँ पर हम कपकेक को अच्छे से असेंबल कर लेंगे डिश में, पूरी तरीके से कवर कर लेंगे और थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा देंगे, ठीक है। मैंने सारे कपकेक को ये इस तरीके से अच्छे से असेंबल कर लिया है। और आपको कपकेक तो बेकरी में भी मिल जाएंगे या कोई भी शॉप में भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने लिया अपने मनपसंद चॉइसेस के फ्रूट्स, यहाँ पर थोड़ा सा एप्पल ले लिया, मैंगो ले लिया है और पोमोग्रेनेट ले लिया। आप आपके चॉइस के हिसाब से फ्रूट्स ले सकते हैं। और जैसे कि समर सीज़न आ गया तो मैंगोस तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैंगोस ले लिया। मुझे बहुत ही पसंद है कस्टर्ड में मैंगोस, और देखिए इतना यम्मी लगता है ये। मम्मी और मैंने दोनों ने बहुत ही इंजॉय किया था इस रेसिपी को। और फिर देखिए यहाँ पर सारे फ्रूट्स को मैंने असेंबल कर लिया। अभी मैंने यहाँ पर लिया है क्रीम, क्रीम 1/2 कप लिया है अमूल क्रीम। और ये जो कस्टर्ड हमने प्रिपेयर किया था इसमें हम क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसे थोड़ा रिच बन के तैयार होता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम सारे कस्टर्ड को इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और स्पैटुला की हेल्प से हम इसको पूरे कस्टर्ड को कवर कर लेंगे। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप लोग देखिए जो ये फ्रूट्स भी दिख रहे हैं ना, उसको हमको अच्छे से कवर करना है। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी रमज़ान भी कितनी जल्दी आ गई। इस साल रमज़ान आके भी मतलब बहुत ही कम दिन बच गए रमज़ान के, पता ही नहीं चला रमज़ान कब आए और कब ख़त्म होने आ गए ये रमज़ान। तो आप लोग दुआ में ज़रूर याद रखना, मेरी मम्मी को और मुझे दोनों को ज़रूर याद रखना। और अलविदा जुम्मा मुबारक आप लोग को। और तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे कस्टर्ड
को पूरे अच्छे से कवर कर लिया है फ्रूट्स को, बहुत ही टेस्टी और यमी लग रहा था। और हाँ, मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गई, जब मैंने कस्टर्ड प्रिपेयर किया था तो इसमें मैंने केसर भी ऐड किया था थोड़ा सा कलर आने के लिए। देखिए कितना यमी लग रहा है। अभी जो मैंने कपकेक को साइड पे रखा था, जो बाकी का जो कपकेक मैंने गार्निश के लिए रखा था, इसके ऊपर मैंने गार्निश कर लिया। आप लोग आपके मनपसंद के फ्रूट्स भी गार्निश कर सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स भी गार्निश कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कपकेक ही गार्निश किया है और इसको हम 1 या 2 आवर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए 1 और 2 आवर सेट हो गया। अब इससे मैं कट करके आपको बताती हूँ सर्विंग डिश में। बहुत ही यमी लग रहा था ये रेसिपी, हम लोग ने तो बहुत ही इन्जॉय किया। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, माउथ वाटरिंग बन के रेडी हुआ है हमारा कस्टर्ड डिलाइट। इस ईद में ज़रूर ट्राई करिए, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। और साथ ही साथ मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग ये बना रहे रेसिपी तो कॉमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी आप लोग को ये रेसिपी। तो चलिए हम लोग एक बाइट खाते, आप लोग भी खाइए हमारे साथ, एंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी लग रहा था ये बनके रेडी हुआ था कस्टर्ड डिलाइट के रेसिपी। आप लोग जिसको मीठा ज़्यादा पसंद है, आप लोग ऐसे नॉर्मल ओकेजन्स में भी बना के खिला सकते हैं। लाइक ऐसे अगर कोई मेहमान आ गया या गेट टुगेदर है तो आप बना के खिलाइए। तो चलिए मैं मिलती हूँ एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।